पहले ये हिंदुस्तान का पहला गेम है जो कि इंटरनेट पे मल्टीप्लेयर गेम है और पहली पिक्चर एवर जिस पे एक मल्टीप्लेयर गेम बनाया गया है। मल्टीप्लेयर गेमिंग इंटरनेट में क्या होता है, जैसे मैं अगर एक पटना का रहने वाला हूँ या इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, मैं सिडनी में किसी के साथ खेल सकता हूँ या मैं साउथ अफ्रीका में किसी के साथ खेल सकता हूँ। एंड द इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो उस माने में दिस इज़ अ फर्स्ट इनिशिएटिव एंड हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। और हमने एक मोबाइल गेम भी बनाया, नॉट एक बल्कि दो बनाए हैं इस वक्त मोबाइल गेम्स, और दो इंटरनेट के बेस्ड गेम्स बनाए और बनाएंगे इन फ्यूचर एज वी मूव अलोंग। किस तरह से खेलने का इसमें देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इस गेम में कंट्रीब्यूशन जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ किया है, फरहान ने किया है, रितेश ने किया है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शाहरुख ने खुद इसकी स्टोरी बोर्ड जो है अप्रूव करी है। हमारी टीम मलेशिया गई थी जब इनकी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उनके साथ रहे थे माय क्रिएटिव डायरेक्टर, माय चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और जो स्टोरी बोर्ड अप्रूव हुआ है वो फिल्म की सिचुएशंस में है। तो एक एक गेम है जो ऑनलाइन जो इंटरनेट पे gaminghangama.com पे अगर आप जाएंगे तो खेल सकते हैं, जिसमें आप एक कैरेक्टर या तो डॉन का कैरेक्टर या रोमा का कैरेक्टर या अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर चूज़ कर सकते हैं, और वो पूरा गेम पेट्रोनास टावर्स ऑफ कुआलालंपुर पे सेट है। एंड एक गेम बनाया है पूरे कुआलालंपुर की स्ट्रीट्स में हम वाइन गेम कर रहे हैं, और द बैकड्रॉप इज़ पूरा जो मलेशिया और कुआलालंपुर की स्काईलाइन है विद द पेट्रोनास, वैसे से 3D बेस्ड गेम। जो मोबाइल के गेम्स हैं वो भी एक कार रेसिंग गेम बनाया है, जो उसमें इस पिक्चर में पिक्चर का नाम ही है डॉन द चेस बिगिंस, तो पूरे टाइम डॉन भागते रहते हैं, तो उनको अगर आप चेस कर सकते हैं और यू नो अगर आप पकड़ सकते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इस तरह से किस तरह यूथ को टारगेट किया है, ये हम इस देश में हैं जो कि इट्स द वर्ल्ड्स यंगेस्ट नेशन, हमारे आप समझिए 60 करोड़ लोग हैं जो कि 25 साल और कम की उम्र के हैं, मेरे से तो बहुत कम उम्र के हैं वो लोग, और उसमें से 125 मिलियन लोग हैं जो कि मोबाइल पे जाते हैं, 50 मिलियन हम इंडिया इज़ नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट इन द वर्ल्ड, बाय नेक्स्ट ईयर हम जापान को इक्लिप्स कर जाएंगे एज बिकमिंग द फोर्थ लार्जेस्ट इंटरनेट मार्केट। तो टारगेट तो यूथ को किया है, जो कि फिल्म मेकर्स ने भी अपनी पिक्चर यूथ को किया है, इट्स बीन मेड, इट्स अ रीमेक ऑफ अ फिल्म विच इज़ टारगेटिंग यू नो अ पर्सन लाइक मी हु सॉ दिस फिल्म एंड हैज़ एन अफिनिटी टू द ओरिजिनल फिल्म एंड एट द सेम टाइम अ न्यूअर जनरेशन। तो जो न्यू जनरेशन के लिए हम एक वो कंटेम्प्री फिल्म बना रहे हैं, तो इट इज़ ओनली एप्ट कि हम उसको वी ऑल्सो डू इट इन द फॉर्म ऑफ यू नो मेक अ गेम ऑन इट एंड डू थिंग्स लाइक दैट। हमें लगता है अभी शाहरुख आ गए हैं।